हल्द्वानी से है जहां हरेला पर्व के मौके पर वृक्षारोपण अभियान किया गया। नैनीताल रोड स्थित पार्क में कालाढूंगी विधायक बंसीधार भगत, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और जिलाधिकारी वंदना सिंह ने वृक्षारोपण किया। वहीं एक पेड़ माँ के नाम अभियान में सभी लोगों ने पौधे लगाकर पर्यावरण को हरा भरा रखने का संदेश दिया। इस दौरान लोगों को फलदार और छायादार वृक्ष भी वितरित किए गए। साथ ही नगर निगम कर्मचारियों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। साथ ही कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने कहा कि मंगलवार को पर्यावरण को संरक्षण करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। गर्मी और बरसात के मौसम में जिस तरह पर्यावरण असंतुलन इस बार देखने को मिला है, उससे यह स्पष्ट है कि अब वृक्ष लगाकर ही पर्यावरण संतुलन किया जा सकता है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सर्वप्रथम मैं प्रदेश और देश की जनता को हरियाली के इस पर्व पर, हरेले के इस पर्व पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही मैं हर एक से निवेदन करता हूं कि इस समय पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए वृक्षों की बहुत आवश्यकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे निवेदन किया है कि अपने माँ के नाम एक वृक्ष जरूर लगाएँ और वृक्ष लगाएँ नहीं, उसको पालें सहते भी। तो सभी लोग इस बरसात में अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी संभव हो वहाँ वृक्ष लगाएं और उनका पालन पोषण करें ताकि हरियाली हो, ऑक्सीजन की आवश्यकता हमारी पूर्ति हो, क्योंकि पर्यावरण जिस तरह से दूषित हो रहा है, अगर इसी तरीके से अंधाधुंध पेड़ कटे और पेड़ लगाए नहीं गए तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके सबको चलना पड़ेगा। हरेला की सभी लोगों को सबसे पहले शुभकामनाएँ देती हूँ। और हमारे यहाँ जनपद में 5.5 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। सभी विभागों के माध्यम से उसमें मनरेगा से भी ग्राम स्तर पर पौधे लगाए जा रहे हैं। आज सभी विकास खंडों में भी हरेला में वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ हर साल हम लोग ये पर्व मनाते हैं और उत्तराखंड की संस्कृति में इस पर्व का बहुत महत्व है। तो हम लोग उसी भावना के साथ, उसी मैसेज के साथ आज पौधारोपण भी करें और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण के अलावा भी जो अन्य काम है उन पर भी हम लोग जो है फोकस करें, जल संरक्षण करें। अभी मानसून है, बरसात हो रही है, अगर अपने घरों में हम छोटी छोटी रिचार्ज संरचनाएँ बना लेंगे, डीप रिचार्ज पिट इत्यादि छोटे छोटे बना लेंगे तो जो जल है वो बह जाता है बरसात में, उसको हम भूमिगत जल के साथ मिलाकर उसका संरक्षण कर पाएंगे। ये भी मैसेज आपके माध्यम से देना चाहिए।